इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इस सर्किट में हमें टोटल पावर की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर टोटल पावर की कैलकुलेशन करूं तो पावर इज इक्वल टू होता है आई बी, ठीक है, पूरे सर्किट में करंट निकाल लूं, पूरे सर्किट का वोल्टेज निकाल लूं, या पूरे सर्किट का वोल्टेज अपन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ऐसे। तो ये जो फार्मूला है इस पूरे सर्किट पे अप्लाई कर दो, ठीक है, तो वी स्क्वायर ऊपर आ पूरे सर्किट पे, तो वी की वैल्यू तो पूरे सर्किट के लिए 18 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सर्किट का अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका मान लो आर डैश आ गया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दैट इज 9, 6 प्लस 3 दैट इज 3 और दैट इज द 2, तो ये पूरा मिल के 2 ओम हो गए, और 2 ओम ये पूरा सर्किट अब ऐसे दिखेगी यार, ये 2 ओम और ये 4 ओम प्लस माइनस 18 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम और ये 4 ओम और ये 18 वोल्ट की बैटरी, तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया, 4 प्लस 2 दैट इज 6 ओम, दैट इज नेट रेजिस्टेंस। सो पावर पावर ऑफ सर्किट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी स्क्वायर मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 और डिवाइडेड बाई आर मतलब 6, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 54 वाट, दैट इज दिस इज द पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है, तो 54 वाट। ये जो फार्मूला है वी स्क्वायर पूरे सर्किट पे अप्लाई कर दें, पूरे सर्किट का वोल्टेज पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आराम से कैलकुलेट हो जाएगा।